हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझ आ गए होंगे सभी को, है ना? तो ठीक है, वेरी गुड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है उसका पार्ट थ्री, इसके बाद ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का था, ठीक है? थोड़ा सा पोर्शन रह गया, फिर यूनिट वन आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट वन का फिर मैं टेस्ट लूंगा, वो आपको बताऊंगा कैसे लेना है, कब लेना है, ठीक है? क्लियर? तो अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पार्ट थ्री। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या दिया हुआ हमने? फिफ्थ पार्ट है, दैट इज व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा उसकी कोई ना कोई पावर होगी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है, उसमें आपने पावर्स दी हुई है, तो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला है। व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, उस टाइम आपने क्या निकालना है? एरर निकालना है, राइट? पता चल गया हमारे पास क्या पार्ट है? फिफ्थ पार्ट है, व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब कहता है कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, दैट इज टू बी मेजर। ये फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसको हमने मेजर करना है। टू फाइंड अ फिजिकल क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, इसको हमने फाइंड करना है। जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, वेयर एन इज द नंबर। इफ डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, देन व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। समझ आ गई? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज टू बी मेजर्ड। टू फाइंड अ फिजिकल क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, वेयर एन इज नंबर। इफ डेल्टा इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, देन व्हाट इज द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, राइट? उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखा हुआ है यहां पर, इसको भी नोट करना है। तो इससे पहले कि मैं इसको साफ कर दूं बोर्ड को, आप एक फोटो ले लो इसकी। ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, अब तो आप ट्रेंड हो गए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पार्ट थ्री में हमने करना है, स्टार्ट करें। स्टार्ट हम इसको करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? आपको पता कि हमें प्रॉब्लम क्या दी हुई है, ये नोट कर लिया आपने सारा कुछ? तो मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं, यस, क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिए, साफ बोर्ड चाहिए। तो अब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि लेट जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, कॉट इट? तो जेड हमारा ए की पावर एन में आ गया। फिर हम क्या बोलेंगे कि लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा जेड बी द डेल्टा ए, लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा जेड बी द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड जेड रिस्पेक्टिवली। समझ आ गई मैंने क्या लिखा? ए एंड, यहां तक जिक्र है, ए एंड जेड रिस्पेक्टिवली, क्लियर? मतलब हमारे पास डेल्टा ए डेल्टा जेड ये क्या है? दैट आर द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड जेड रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे यार? देन देन क्या होगा पता है आपको? देन देन क्या होगा? z को हम क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड a को हम क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a इसकी पावर z, है n, क्लियर? ओ क्लियर हो गया बेटा, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, मैं a की पावर, मैं a को बाहर निकाल रहा हूं, यहां से मैंने a को बाहर निकालना है, सॉरी a से a को जब मैं बाहर लेके आऊंगा तो n भी साथ में आएगा, तो क्या बनेगा? a की पावर n आ गया। मतलब मैंने निकाला a, n साथ में आ गया, फ्री आ गया, है ना? तो यहां पर क्या रह गया? वन। लेकिन इसमें a नहीं था, मैंने बोला कि डेल्टा a वाला a नहीं आपने लेना, इसमें a है ही नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, इसको a से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। जैसे ही a की पावर n जाएगा, जो हमें फ्री मिला था वो दुकान वाला रख लेगा, a अंदर चला जाएगा, a यहां पर आ गया, प्लस a मल्टीप्लाई हुआ यहां पर, तो a और a कैंसिल, यही चीज बच गई, तो a वन प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इसकी पावर n, गॉट इट? वो समझ आ गई? हाँ चले, बट a की पावर n क्या है? फ्रॉम इक्वेशन वन a की पावर n क्या है, ध्यान से सुना बेटा, z माइनस प्लस माइनस डेल्टा z, इसको हम क्या लिख सकते हैं? z लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज a की पावर n जो है वो किसके बराबर है?
जेड के बराबर। इतनी बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हम खुशी से इसको मिटा देंगे, ये मिटा दिया हमारे, ओ क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप आराम से पढ़ रहे हो, है ना, फिजिक्स आपको इतनी अच्छी समझ आ रही है, हो ही नहीं सकता है आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती है, या तो आप मेरा लेक्चर सुनते नहीं है या आपको समझ नहीं आता, सीधी सी बात, दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको सारा समझ आता है, वो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं गलतियां बहुत करता हूँ, आपको कैसे समझ आएगी, पढ़ाना ही नहीं आता आपको कैसे समझ आएगी, दूसरी बात आप पढ़ते ही नहीं, है ना, या तो आपको सारा कुछ समझ आता है वो हो नहीं सकता, दूसरी बात क्या है कि आप पढ़ते ही नहीं हो, मींस ये 100% राइट है, पढ़ते ही नहीं हो तो प्रॉब्लम कहां से आएगी, है ना, हाँ चलो चलो फिर भी आई एम डूइंग माय ड्यूटी, तो ए की पावर एन दैट इज इक्वल टू जेड, क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहां पर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड है, यहां क्या है जेड, अब ये जेड और ये जेड मैंने काटा था, है ना, काटा था ना, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये चीजें ऐसे नहीं कटती हैं। अब हम इस चीज को लेकर चलते हैं, ये वाली इतनी वाली राइट, कौन सी, वन प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए इसकी पावर एन, इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, मैंने कल बताया था ना बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में मैंने बताया था, क्या बोला था कि 1 प्लस एक्स की पावर एन किसके बराबर होता है, 1 प्लस एन एक्स, ये एन आगे आ जाएगा, प्लस ऑन हायर टर्म जो है वो हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब हायर क्लासेस में जाओगे तो निगलेक्ट नहीं करेंगे, आप छोटी क्लासेस में तो हायर टर्म निगलेक्ट कर रहे हैं, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, इस बात को याद रखें। तो यहां पर एक्स कितना है, यहां पर एक्स कितना है, डेल्टा ए ओवर ए, राइट, पावर कितनी है एन, तो अब हम क्या करेंगे, इस एन को आगे लेके आएंगे, यहां पर प्लस माइनस था तो वन प्लस माइनस क्या लिखेंगे हम इसको, एन डेल्टा ए ओवर ए, बात क्लियर हुई, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर एन, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए ओवर ए, एनी डाउट, ठीक है, जो टर्म्स है जिनकी हायर पावर्स हैं उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हो जो हायर पावर्स हैं वो हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, एच बी मतलब यहां पर मैंने क्या लिखा, हायर पावर्स, गॉट इट, समझ आ गई, अब क्या करेंगे, ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि मैंने इसको बता देना, ले लिया स्क्रीन शॉट, वेरी गुड, अब हम 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए ये हम पुट करेंगे तो हमारे पास अब आंसर आने वाला है, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारी वीडियो जो है वो क्या होगी, पता नहीं आपको पता होगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए की पावर n किसके बराबर हो गया, 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए ओवर ए, हायर पावर हमने क्या कर दी हुई है, निगलेक्ट कर दी, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना गया, ये जेड को अंदर ले जाओ, प्लस माइनस ये जेड इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहां क्या रह गया, एन डेल्टा ए ओवर ए, वैसे ही बना, यहां पर क्या है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, गॉट इट, उस समझ आ रही है, आ रही है समझ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, फिर तो ये मिटा दिया मैंने, क्लियर, समझ आ गई, अगर आपने ये भी टर्म नहीं करनी है तो आप सिंपल लिखो डिवाइड बोथ साइड्स बाय जेड, बड़ा इजी, एक स्टेप मैंने वैसे ही खा लिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय जेड, जेड से आपने डिवाइड करना, जब हमने इसको जेड से डिवाइड किया यहां पर क्या रह गया, डेल्टा जेड अपॉन, इसको जेड से डिवाइड किया जेड गया अंदर क्या रहेगा, वन प्लस माइनस एन डेल्टा ए ओवर ए, ये वन प्लस माइनस, ये वन प्लस माइनस, वन भी कैंसिल हो गया और प्लस माइनस भी गया, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा जेड ओवर जेड दैट इज इक्वल टू एन डेल्टा ए ओवर ए, दिस इज द रिलेटिव एरर इन जेड, क्लियर है, मतलब अगर आपके पास
ऐसा कोई हो तो इसमें अगर आपने ऐसी इक्वेशन में अगर आपने रिलेटिव एरर फाइंड करना है अगर इस टाइप की हो जेड इज इक्वल ए की पावर एन कोई भी हो सकता है तो आपके पास जो उसका एरर आएगा वो आएगा एन डेल्टा ए ओवर ए, मतलब एन को आगे लेके आओ उसके बाद क्या कर दो डेल्टा ए ओवर ए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई फिजिकल क्वांटिटी, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, आप फिजिकल क्वांटिटी जेड पर इसका स्क्रीन शॉट ले लो, बाकी बात बात ले लिया चल। अब हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना देखना बहुत इजी है और ये दो तीन नंबर का आता है, जब भी आपका टेस्ट होगा ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़े से न्यूमेरिकल, क्योंकि ज्यादा मैं न्यूमेरिकल नहीं डाल सकता हूं उसमें, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल ही करते रहेंगे तो हमारी थ्योरी रह जाएगी, तो न्यूमेरिकल आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, सभी के पास मेरा नंबर है, ठीक है, इतनी व्हाट्सएप मत करना कि मेरा फोन ही हैंग हो जाए, है ना। हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने बच्चों का एक टेस्ट कंडक्ट किया, तो एक बच्चे ने 16 पेज जो है उसकी फोटो क्लिक करके मेरे फोन पे दे दी, और जैसे मैंने एक ही खोली मेरा फोन हैंग हो गया, लॉकडाउन हुआ हुआ और फोन हैंग हो गया, मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना फोन जो है वो ठीक करवाया, तब आपको वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आज मैं अंधेरे में आपको वीडियो जो है वो बना रहा हूँ, राइट। तो होता है कुछ भी होता है, लेकिन आपकी वीडियो जो है वो आपको पहुंचेगी, हर हालत में पहुंचेगी। तो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यू अपॉन सी फोर, ये क्वेश्चन था, इसमें आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन z। तो जब आपने रिलेटिव एरर इन z निकालना है तो रिलेटिव एरर इन z क्या, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आएंगे रिलेटिव एरर इन z आप इसको कैसे निकालोगे, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा आ गया तो आपको पता कि डेल्टा z अपॉन z क्या होगा, n आगे आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a आ गया, ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा इसमें, हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव साइन ही आएगा, अगर कहीं नेगेटिव साइन आता है तो आपको पता है ये प्लस माइनस होता है, क्या होता है इसके आगे प्लस माइनस होता है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है आपके पास जो एरर होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब ध्यान से देखना, मैं निकाल रहा हूं डेल्टा z ओवर z, दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर, इसी का परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना, पहले मैं रिलेटिव एरर निकाल रहा हूं उसके बाद फिर मैं परसेंटेज एरर निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से सुनना, रिलेटिव एरर जब आपने डेल्टा z अपॉन z किया तो आपके पास क्या आ गया a की पावर n, तो आप इसको क्या लिखोगे 2 डेल्टा a ओवर a, समझ आ गई, माना ये, क्योंकि हमारे पास अब क्या है z इज टू a, पहले मैं a स्क्वायर वाली टर्म ली तो a स्क्वायर मतलब a की पावर n, तो अगर a की पावर है तो क्या बनेगा n आगे आ जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस, दिखाई दे रहा b की पावर 3 डेल्टा b ओवर b प्लस c की पावर 4 डेल्टा c ओवर c। अब आप बोलोगे सर ये 4 तो नीचे था, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 4 आएगा, अगर मैं c4 यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं c की पावर माइनस 4 तो 4 माइनस 4 आगे आएगा, यहां पर माइनस आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि एरर में हमेशा क्या आता है, क्या आता है हमेशा पॉजिटिव ही एरर आती है, ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर भी होते हैं, लेकिन एरर को जब हम ऐड करते हैं कंबाइन करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो यहां पर माइनस 4 होता या माइनस 3 होता या ऊपर माइनस 3 होता वो आना ही प्लस था, तो जब भी आप रिलेटिव एरर करोगे यहां पर कोई भी साइन है, मान लो मैं यहां पर माइनस 2 ले लेता हूं माइनस 3 ले लेता हूं तब भी यहां पर 2 ही आना था, यहां पर 3 ही आना था, समझ आ गई, क्लियर है, तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर इन z होगा। अगर मैं बोलूं परसेंटेज एरर इन z निकालना है तो मैं क्या करूंगा डेल्टा z अपॉन z इंटू 100% 2 इंटू डेल्टा a ओवर a इंटू 100 इसका परसेंट प्लस ऐसे ही करना 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100% प्लस 4 वाला 100, समझ आ गई, ऐसे ही 4 वाला कर देंगे, क्लियर है। तो अगर आपको दिया हुआ है ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ध्यान से सुनना कि हमारे पास जो रिलेटिव एरर है इन a, ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, ये जो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन आपके पास आएगा
कि यहां तक समझ आ गया ना। अब मैं परसेंटेज एरर की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बोला कि परसेंटेज एरर जेड निकालो, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था लेकिन मैंने एडिशन कर दी कि परसेंटेज एरर निकालना, आप क्या बोलोगे? डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100, ये परसेंट बन गया। टू डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 परसेंट, प्लस थ्री डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 परसेंट, प्लस फोर डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 परसेंट। ये क्या है? परसेंटेज एरर मिल जाए। और कई बार क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि हमारे पास रिलेटिव एरर दिए हुए, रिलेटिव एरर इन ए पी सी, रिलेटिव एरर दिए होते हैं। तो जब आपको रिलेटिव एरर दिए होते हैं तो आप डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आपको परसेंटेज एरर दिया हुआ है, हमने क्या निकाला? परसेंटेज एरर इन जेड। अगर वो बोलेगा टोटल परसेंटेज एरर इन जेड निकालो, तो उन्होंने आपको दिया होता कि ए में, मान लो ए में परसेंटेज, अब रिलेटिव एरर नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ परसेंटेज एरर, कि ए में 3% है, बी में 2% है और सी में 1% है। उन्होंने पहले बोल दिया कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड इफ परसेंटेज एरर इन ए इज 3%, परसेंटेज एरर इन बी इज 2% एंड परसेंटेज एरर इन सी इज 1%। क्वेश्चन क्या है, समझ आ गया? अगर उन्होंने रिलेटिव एरर दिया तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। अगर सिंपल रिलेटिव एरर इन ए बी एंड सी उन्होंने दिया कि रिलेटिव एरर इन ए इज 2, रिलेटिव एरर इन बी इज 3, रिलेटिव एरर इन सी इज 6, तो आप डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू पुट कर सकते हो और यू विल गेट द आंसर। अगर उन्होंने बोला है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड, ये क्वेश्चन दी है और उन्होंने बोला है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन जेड इफ परसेंटेज एरर इन ए इज 3%, बी इज 2%, सी इज 1%। मतलब उसने इंडिविजुअली दे दिया कि ए में परसेंटेज एरर कितना है 3%, बी में कितना है 2%, सी में कितना है 1%, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? तो आपका जो परसेंटेज एरर इन जेड आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उन्होंने क्या दिया, वो हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? परसेंटेज एरर इन ए 3%। मतलब ये इतनी चीज जो आपको हमें कितनी दी हुई है उसने 3%, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 3%। परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया है 2%, इसका मतलब उसने परसेंटेज एरर दिया हुआ है, तो कितना बना ये 3 × 2%। और सी में कितना परसेंटेज एरर दिया है 1%, तो इसका मतलब ये टर्म कितनी है 1%, तो 4 × 1% दिखाई दे रहा है। तो क्या बना है? तो परसेंटेज एरर इन जेड दैट इज 6 प्लस, पहले क्या बना, 6% 6% 61 प्लस 4%, टोटल कितना है? और 6 + 6 = 12 + 4 = 16, सो दिस इज योर आंसर। तो 60% जो है दैट इज द परसेंटेज एरर इन जेड। गॉट इट? समझ आ गई? तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान से करना, ऐसी जितनी भी, देखो मैंने एक ही एग्जांपल में आपको सारी बता दी, फिर से ध्यान से सुनना, आप कहीं भी यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, चाहे आप रिलेटिव एरर निकालो चाहे कोई भी एरर निकालो, आपके पास रिलेटिव एरर आ गया तो ये आ गया। कई बार बोलते हैं कि रिलेटिव एरर इन ए इज दिस, रिलेटिव एरर इन बी इज दिस, रिलेटिव एरर इन सी इज दिस, तो आपने डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी, 2 तो है ही है। पहले आपने रिलेटिव एरर निकाल लिया जेड में, उसके बाद उन्होंने ए बी सी का इंडिविजुअल दिया हुआ कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आपने डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा बी अपॉन बी। अगर बोला कि परसेंटेज एरर निकालो और परसेंटेज एरर दिया हुआ, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100% कर देना। लेकिन डेल्टा ए अपॉन ए, कई बच्चे क्या करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं और साथ में 100 भी लगा देते हैं। नहीं, परसेंटेज एरर जब आप देखोगे तो डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100% वो दिया है 3%, ना कि डेल्टा ए अपॉन ए 3% दिया हुआ। 3% का ही मतलब क्या है कि साथ में 100 है। तो इसलिए जब भी आपको बोले कि हमारे पास जो परसेंटेज एरर इन ए बी सी 3% है, तो आपने डेल्टा ए अपॉन ए इनटू 100, इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, जो वैल्यू दी हुई है, 3 दी हुई है तो 3 पुट कर देनी है, 4 दी है तो 4 पुट कर देनी है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, और न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के बाद हम करेंगे, ये तो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है वो खत्म हो गए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने अब क्या करना है। टिल देन।
प्रैक्टिस करो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अपने क्वेश्चन को फाइंड करना है, और डिमेंशन के ऊपर भी मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन दूंगा, तो वो भी आपने सारे के सारे फाइंड करने हैं, तो वो मैं आपको तभी भेज सकता हूँ बेटा अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजोगे। अब मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरे पास सिर्फ 10-15 बच्चों का है, तो मैं उनको क्या असाइनमेंट दूँ, क्या क्वेश्चन दूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेज रहे हो, तो मैं आपको प्रॉब्लम कैसे भेजूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है, आप घर में बैठे हो, मैं आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, मेरा काम है आपको पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका काम है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है। चल, गुड बाय।